गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल भावना कसाना ब्लॉग। हरे कृष्णा गाइज सबको। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा 30 day 30 vlogs वाला चैलेंज चल रहा है। जिन लोगों को नहीं पता है तो बता रही हूँ। और आज है day 5 ऑफ 30 vlogs 30 challenge। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वेडिंग आउटफिट, मतलब हमारी शादी का लहंगा, अपना भी और दीदी का, कि कैसा था, हमने कहाँ से खरीदा था, क्या उस टाइम पे उसका प्राइस था। तो आज की वीडियो बेसिकली उसी के ऊपर है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज ये देखिए, ये है हमारे शादी के लहंगे के बैग दोनों के, ये मेरा ये दीदी का, और इन दोनों के अंदर अभी हमारे लहंगे जो कि निकाल के हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज ये मैं ओपन कर रही हूँ अपना बैग, और ये कुछ इस टाइप से रखा है मेरा लहंगा, जो कि अभी मैं आपको पूरा खोल के शो करके दिखाऊंगी। ये दुपट्टा है, दो दुपट्टे थे हमारे लहंगे के, तो दोनों दुपट्टे और पूरा आउटफिट अभी मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरा वाला है, अब एक बार दीदी वाला भी दिखाती हूँ। और ये है दीदी वाला, ये दीदी वाला आउटफिट है, दीदी वाला इसमें रखा है। ठीक है, तो अभी दोनों के हम आपको खोल के दिखाते हैं। तो हेलो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मैं आपको पूरा आउटफिट अपना खोल के दिखाती हूँ। तो पहले लहंगे से स्टार्ट करूँगी। तो ये तो दुपट्टे हैं, दो दुपट्टे वाला था, एक तो हमारा जो लहंगे के साथ दुपट्टा आया था ये वाला, और एक हमने खुद से अलग से लिया था दुपट्टा, खुद से खरीदा था वो अलग है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ लहंगा खोल के एक बारी। मैं ये हटा देती हूँ आपको, तो ये खोल के दिखाऊंगा। तो लहंगा, ये वाला लहंगा जो है ये मेरा है, ये मेरा वाला लहंगा है। इसकी लुक है कुछ इस तरह की, अगर आपको दिख रही हो तो। बाकी एक बार मैं यहाँ फैलाती हूँ इसको अच्छे से, और फिर दिखाती हूँ आपको। ये है लहंगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो गाइज ये था मेरा लहंगा। तो मैंने ज़्यादा हैवी वर्क वाला नहीं लिया था, मेरे को ये था कि थोड़ा डिसेंट लुक में मुझे चाहिए, तो ताकि सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर हो, इसलिए मैंने यहाँ से पूरा भरा वाला नहीं लिया था। तो ये हमने कहाँ से खरीदे थे, ये हमने लिए थे, हमने लिए थे चांदनी चौक मार्केट से। आई गेस बहुत फेमस मार्केट है, सब लोग जानते हैं, शादी की मोस्ट ऑफ द शॉपिंग सब लोग वहीं से करते हैं, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, या फिर ब्राइडल लहंगे हो। तो हमने भी अपनी शादी की शॉपिंग चांदनी चौक से, लहंगे की चांदनी चौक से की थी, तो हमने वहीं से लिया था चांदनी चौक से। तो गाइस जब हमने शादी के अपने लहंगे लिए थे ना, तो सच्ची बताऊँ तो बिल्कुल भी कोई हमें पहले तो पसंद ही नहीं आ रहा था, और या पसंद आ रहा था तो दोनों बहनों को सेम ही लहंगा पसंद आ रहा था, ये हो रहा था हमारे साथ। फिर बहुत टाइम बाद जाके, तब जाके हमें, हम दोनों को अपने अलग अलग स्पेसिफिक लहंगे जाके पसंद आए, जिसमें कि मुझे ये पसंद आया था और दीदी का मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आपको मेरा लहंगा कैसा लग रहा है ये कमेंट करके बताना। वीडियो में मे भी इसका कलर अलग दिखेगा, बट इसका कलर जो है, जो चेरी पिंक कलर होता है ना, चेरी पिंक कलर है इसका, लेकिन वीडियो में मे भी हो सकता है कि आपको रेड दिखे या फिर कुछ और पिंक कलर दिखे, क्योंकि थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है रियल में और कैमरे में दिखने में काफ़ी फर्क होता है। तो मैं बता देती हूँ, ये चेरी पिंक कलर का लहंगा है, और इसके साथ है इसका ब्लाउज, ये था इसका ब्लाउज। ठीक है, ये देखिए ब्लाउज का वर्क था कुछ ऐसा।
और ये है इसकी बैक, वो था फ्रंट और ये है बैक। और ये है इधर की साइड इसकी लटकन्स, हैंगिंग्स जिसे हम बोलते हैं, हैंगिंग्स है ये, साइड हैंगिंग्स जो लहंगे में होती है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका दुपट्टा। तो लहंगे के साथ वाला दुपट्टा है ये, मतलब जो हमें लहंगे के साथ मिला था। तो ये कुछ इस टाइप का लाइट पिंक कलर का दुपट्टा है और इसका बॉर्डर है ऐसे, सिर्फ बॉर्डर पे वर्क है और यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं, बाकी जैसा बॉर्डर लहंगे में है वैसा ही दुपट्टे में है। तो एक बार मैं इसको सही से रख के आपको बता दूँ तीनों चीजें। तो ये हो गया मेरा दुपट्टा, ये हो गया ब्लाउज और ये हो गया मेरा लहंगा। ठीक है, ये था फुल ओवरऑल मेरा लहंगा जो हमने बाय किया था। फिर उसके बाद एक ये दुपट्टा था जो हमने लिया था अलग से, मतलब ये लहंगे के साथ नहीं आया था क्योंकि हमें दो दुपट्टे चाहिए थे, तो ये हमने अलग से बाय किया था अलग शॉप से। और काफ़ी सारे दुपट्टों में मुझे ये दुपट्टा वेलवेट का है, ये इसका जो कपड़ा है वो वेलवेट का है, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसका जो ये है मेन, इस पर ये लिखा हुआ है सदा सौभाग्यवती भव, मेन ये इसकी वजह से मैंने लिया था ये दुपट्टा। ना मैंने काफ़ी देखा था एक्चुअली इंस्टाग्राम वगैरह पे, काफ़ी सारी वीडियोस में मैंने ये देखा था, उस टाइम पे ट्रेंडिंग में था सदा सौभाग्यवती भव वाला ऐसा दुपट्टा। तो फिर मुझे था कि नहीं मुझे भी लेना है ऐसा दुपट्टा, तो मैंने बहुत ढूंढा, तब बहुत मुश्किल से जाके मुझे ये दुपट्टा मिला था। फिर मैंने ये दुपट्टा चूज़ किया और ये दुपट्टा लिया, सदा सौभाग्यवती भव लिखा हुआ। और गाइस सच बताऊं तो ये मैंने ले तो लिया था, लेकिन क्योंकि ये वेलवेट का है ना, तो ये दुपट्टा उतना ही भारी था। और जो मेरी वेडिंग वाले दिन ना, आप पहले देख लो इसको, और मेरी वेडिंग वाले दिन ये जो दुपट्टा था, जो ये पिंक वाला है जो लाइट है थोड़ा वेट में, ये तो मैंने साइड में अटैच किया हुआ था, मतलब जैसे वो मेकअप आर्टिस्ट ने अटैच किया था तो वो साइड में अटैच किया था। और ये वाला जो है, ये वाला मैंने सर पे रखा था, वो जब मैं आपके साथ अपनी वेडिंग सीरीज शेयर करूंगी तो उसमें आपको मेरी पूरी लुक दिख जाएगी, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये था मेरा फुल वेडिंग आउटफिट। सो आपको मेरा वेडिंग आउटफिट कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर 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 बताना, अच्छा लगा या नहीं लगा। और एक बार मैं इसका प्राइस भी बता देती हूँ कि उस टाइम पे ये हमें कितने का मिला था। तो उस टाइम पे ये हमें मिला था ये अराउंड, मतलब 50 आप मान के चले कि 50K का हमें पड़ा था ये, दोनों सिस्टर्स नहीं अपना अपना, मतलब दोनों का हमें एक का 50K, तो दोनों का हमारा मतलब 50,000 का पड़ा था लहंगा ये चांदनी चौक से। सो आई होप आपको मेरा आउटफिट पसंद आया होगा। अब दिखाएंगे दीदी का आउटफिट, ये अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार ही लगा के दिखा देती हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये बहुत हैवी है, नीचे से जो इसका घेर है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जब इसको मैं अगर मैं वैसे पहन के दिखाऊंगी, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये इतना दूर तक फैलेगा, जो इसके घेर है वो काफ़ी सारे हैं। सो दिस वॉज माई लहंगा। ये है मेरा वेडिंग लहंगा, रुक जा, ये है इसकी बैक, गाइस ये है मेरा लहंगा।
का तो ऊपर से थोड़ा प्लेन था, लेकिन दीदी का तो फुल ऑन वर्क गया ऊपर से नीचे तक। देखो मैं दिखा का बॉर्डर, देन फिर थोड़ा ऊपर आओगे तो ये डिजाइन है, और फिर ऊपर ये छोटी छोटी बीट्स टाइप बनी हुई है पूरे लहंगे पे, और ओवरऑल लुक ऑफ लहंगा इज दिस। जोर से बोल। और ये है गाइस इसकी हैंगिंग, लटकन जिसे बोलते हैं। सो दिस वाज द लुक ऑफ स्मार्ट लहंगा, वेडिंग लहंगा। देख ही सकते हैं कितना हैवी है, माय गॉड बहुत हैवी है गाइस। बताना आप कमेंट करके कैसा लगा। और ये था ब्लाउज, रुक जाए से सही से बना। टाइम टू शो दुपट्टा। तो गाइस ये है इसका दुपट्टा, दोनों के दुपट्टे का कलर ऑलमोस्ट सेम ही था और लहंगे का भी कलर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस हल्का सा फर्क है। दीदी का शेड हल्का सा मेरे शेड से हल्का सा डार्क है, बस एक शेड डार्क है, बाकी कलर सेम है। तो गाइस ये है इसका बॉर्डर, और ये वो बॉर्डर पे भी सेम ही वर्क है, जैसे लहंगा के ये नीचे वर्क है वैसे ही बॉर्डर पे वर्क है सेम जैसा मेरे में था। कलर का दुपट्टा पीच टाइप कुछ कुछ। और गाइस अब और ये था जो डबल दुपट्टा चल रहा था उस टाइम फैशन में, तो ये जो ऊपर से हमने अलग से दुपट्टा खरीदा था वो था मेरा ये। ये है डार्क पिंक रानी कलर का दुपट्टा है, ये लिया था मैंने, जैसे मेरा वेलवेट का था दीदी का वैसे ही नेट का था। दिखा नीचे रख के बॉर्डर, और ये था इसका बॉर्डर, और बाकी पूरे दुपट्टे पे ऐसे फ्लावर फ्लावर बने हुए हैं छोटे छोटे, ये इस टाइप के फ्लावर, और बाकी है बॉर्डर। बाकी दुपट्टा फुल लुक ऐसे है। ये इधर लगी हुई है इसकी चारों साइड की हैंगिंग इस टाइप की। गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लहंगा कैसा लगा और कौन सा ज़्यादा बेटर लगा। बहुत ज्यादा दोनों ही अच्छे हैं गाइस अपनी अपनी जगह, ये थोड़ी हैवी लुक में है, मेरा थोड़ी डिसेंट लुक में है, पर दोनों ही अपनी जगह काफी अच्छे हैं अगर देखा जाए तो। उस टाइम पे हमें तो बहुत पसंद आए थे, दो ढाई साल पहले की बात है, उस टाइम के फैशन के अकॉर्डिंग आप बताना, आज के फैशन के अकॉर्डिंग मत बताना, क्योंकि अब तो दो साल में तो काफी चेंज आ गया है। सो ये है दीदी का लहंगा लगा के दिखा रही है वो अब आपको, दिस इज द फुल लुक। और इसमें मे भी आपको रेड कलर दिखेगा, पर ये वही सेम चेरी पिंक कलर है, बस मेरे से एक शेड डार्क है, बाकी है दोनों का चेरी पिंक। गाइस इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताना आपको दोनों लहंगे कैसे लगे, और क्या कुछ अगर कोई कुछ डाउट हो आपको उसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, और दोनों लहंगे कैसे लगे और कौन सा ज्यादा अच्छा लगा कौन सा नहीं
तो कमेंट्स करना ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइज ये था हमारा वेडिंग आउटफिट के ऊपर व्लॉग। सो प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।